यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाश गेमिंग। तो आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारी सर्वाइवल सीरीज। तो आप लोगों को जैसे याद होगा, मैंने पहले एक और एक सर्वाइवल सीरीज के एक वीडियो डाला था। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे। तो गाइस, वो वर्ल्ड एक्चुअली मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, इसलिए हम लोग आज एक नई सर्वाइवल सीरीज चालू करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए चलते इस वीडियो में। तो जल्दी हम लोग क्लिक करते क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे, और ये हो गया। तो ये वर्ल्ड क्रिएट हो गया है, देखते हम लोग किधर स्पॉन होते हैं। भाई हम लोग एक बर्च फॉरेस्ट के इधर स्पॉन हुए। इधर से बाहर निकालो। और गाइस आपको पता नहीं तो बर्च वुड लाइक वन ऑफ द वर्स्ट वुड्स है पूरे गेम में, तो इसलिए मैं तो उसको कभी यूज़ करने नहीं वाला। मैं जल्दी से ये वुड तोड़ लेता हूँ, और इससे हम लोग जल्दी से बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल और हमारे सारे टूल्स। और इधर बहुत सारे एनिमल्स है, तो आपको पता ही इनका क्या होने वाला है। तो गाइस मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लिया है, तो अब हमारे पहले दिन के गोल्स होने वाले हैं टूल्स बनाना, फूड कलेक्ट करना और एक बेड बनाना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है, और अब मैं जल्दी से थोड़े से टूल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। और तो मैंने जल्दी से एक अब एक्स और पिकैक्स बना लिए, सो जिससे मैं एक्स से इन लोगों को मार सकता हूँ, और पिकैक्स से मैं वगैरह स्टोन वगैरह कलेक्ट कर सकता हूँ। अरे भाई गाइस वहाँ पे और एक शीप आई थिंक, सो यस वहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे शीप्स है। तो मैं इन लोगों को मार के जल्दी से, तो अभी जितना मीट मुझे चाहिए था उतना तो मुझे मिल गया है अभी तक के लिए। तो इन एनिमल्स को मैं रहने देता हूँ बाद में जब लगेंगे। तो जल्दी से अब मैं मेरा क्राफ्टिंग टेबल लेके आता हूँ। इधर क्राफ्टिंग टेबल रख दिया, और इस सूल को इधर लगा के हम लोगों ने बना दिया है हमारा बेड। हमारे दो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। तो अब हम लोग जल्दी से जाएंगे और स्टोन के टूल्स बनाएंगे। तो अब हमें हमारा बेस बनाने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, पर यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ फॉरेस्ट ही है। पर हमें और एक खाने का सोर्स मिल चुका है यहाँ पर, इससे ये करके। अरे आ जा भाई, इसको इधर डालता हूँ। और अब मैं ये जगह वैसे भी छोड़ के जाने ही वाला हूँ, तो मैं इन शीप्स को बाद में मारता हूँ 2 मिनट के बाद, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ नीचे अंडरग्राउंड कुछ स्टोन कलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग जल्दी से अंडरग्राउंड जाते हैं, और हमें जल्दी से यहाँ पे स्टोन मिल जाएगा। ये देखे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें स्टोन मिल चुका है। जो पिकैक्स का यूज़ करके स्टोन को तोड़ते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हम लोग सरफेस पे जाते हैं। जल्दी से यहाँ पे मैं मेरा क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करता हूँ, और जल्दी से मैं थोड़ा सा इधर ये भी बना लेता हूँ स्टिक्स बना दिया थोड़े से। ओके तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पे भी बनाने वाला हूँ। ये एक बन गया, एक एग्स बन गई और एक स्वॉर्ड बन गई। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत कुछ बना लिया है, एक फर्नेस भी बना लेता हूँ, बन लेते हैं जल्दी से। और अब मैं इन शीप्स को मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे और खाना चाहिए। बढ़ गया है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फर्नेस प्लेस डाउन करेंगे जल्दी से। इसमें ये डालते हैं, और मेरे पहले के टूल्स डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी से वुड भी माइन कर लेता हूँ। ये चारकोल बन चुका है, हम लोग चारकोल डालते हैं इसमें, और हमारा सारा का सारा मीट डाल देते हैं इसमें। तब तक जब तक ये मीट कलेक्ट हो रहा है, तब तक मैं जाके और स्टोन कलेक्ट करूँगा। तो गाइस मैंने बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ ये कलेक्ट कर लिया है, और अब मैं मेरा फर्नेस भी कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। और जल्दी से लीव करते हैं ये जगह, और ढूंढते हैं दूसरी जगह हमारा घर बनाने के लिए। और अब रात होने वाली है गाइस, नहीं हमें जल्दी से हमारा बेड प्लेस करके सो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने हमारा पहला डे सर्वाइव कर लिया है, और अब हमारा दूसरा डे चालू हो गया है। तो
अब इस डे में हम लोग जाके सब कुछ ये बनाने वाले घर वगैरह। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे एक माउंटेन साइड है बहुत बढ़िया वाली। मेरे को ऐसा ही प्लेस पसंद है घर बनाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोग एक माउंटेन के साइड में तो घर बना सकते हैं, पर वो आगे जाके, क्योंकि अभी मुझे माउंटेन का पूरा एरिया खाली करना पड़ेगा फिर बना। यहाँ पे ओपन एरिया मिल गई तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो चलो जल्दी से जाते हैं उधर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग इस जगह पे पहुँच चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे इस जगह को एकदम क्लियर आउट करना है। तो इस जगह को क्लियर आउट करने के लिए मैं पहले यही यूज़ करूँगा, ये ग्रास काटने के लिए। जल्दी हट जाएगा और हमें सीड्स भी मिल जाएंगे। यस गाइस, ये सीड्स हम लोग यूज़ करेंगे प्लांट करने के लिए चीज़ें, और हम लोग बहुत सारे फार्म्स बनाएंगे यहाँ पे इस वर्ल्ड में। तो मैं आप लोग को मिलता हूँ ये टेरेन एकदम फ्लैट करने के बाद। तो गाइस ये देखिए, मैंने बहुत सारा लैंड टेरिफॉर्म कर लिया और मुझे बहुत सारा मीट भी मिल चुका है, और जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये अंबे मैंने मेरा ये जगह सेट कर लिया, रिस्पॉन पॉइंट वगैरह मैंने सब सेट कर दिया अब इधर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क करना घर पे। बट हमारे पास तो वुडन लॉग्स नहीं है, वो देख रहे हो आप लोग, वो लॉग्स है। तो हमारे पास सिर्फ प्लैंक्स है, तो हमें जल्दी से जाके वुड लेना पड़ेगा। तो वुड नहीं 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 भाई, मैं इधर नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली उधर जा रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लिया है, 43 ओक लॉग्स मैंने कलेक्ट कर लिया है, और मेरे स्टोन एक्स का ऑलमोस्ट ड्यूरेबिलिटी जाने वाला है, इसलिए मैं इसको तोड़ना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। ये देखिए हमारी जगह है। तो अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे बेस बनाना हमारा चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं चार ब्लॉक्स पेस्ट करने वाला हूँ, 1 2 3 4। तो फिर इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, कितने ब्लॉक्स, 1 2 3 4 ब्लॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे 4 ब्लॉक्स लगा देने हैं। भाई मेरे पास वाटर बकेट क्यों नहीं है यार, एमएलजी कर लेता। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें छोड़ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे 1 2 3 4 बराबर है ना, 4। हाँ तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऐसे लगा दिया है, 4 5 6 7 बराबर है क्या, हाँ 7 बराबर है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी अब वापस 4 ब्लॉक छोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी हम लोगों ने 8 ब्लॉक लगा दिया है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो रात होने वाली है, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे हमारा रात का डिनर कर लेते हैं और जल्दी से जाते हैं सोने के लिए। तो जैसे आप लोग देख सकते हो हम लोग उठ चुके हैं, और अब हम लोग जाने वाले पूरा चीज़ बिल्ड करने के लिए। पर उससे पहले मुझे एक सैपलिंग मिला था, इसे मैं यहाँ पे प्लांट कर दूँगा। तो अब इसके बाद हमें ये यूज़ करना है हमारा वुड। तो मेरे पास बहुत टाइप के वुड है, तो मैं यहाँ पे डार्क ओक वुड यूज़ करूँ या स्टोन। तो हम मैं स्टोन यूज़ करूँगा इस वॉल्स के लिए गाइस, क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो मैं ये तोड़ देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं नीचे की पूरी लेयर वो इसमें कवर कर दूँगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे लगा दूँगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका भी 3 ब्लॉक, 1 2 3 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे एक पिलर बनाना है, इसके ही जितना 4 ब्लॉक का। यहाँ पे भी पिलर बन गया, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 ब्लॉक का एक पिलर बन गया। तो हम लोग इधर से उतरते हैं जल्दी से। हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बना लेते हैं गाइस, और ये विंडो में मैं कांच नहीं लगाने वाला, इस वाली विंडो में मैं कांच लगाने वाला हूँ। तो गाइस नया दिन हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ये रूफ लगाने के लिए मेरे पास वुड बाकी नहीं था, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ग्लास भी लगाना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेसिक शेप हमारे घर के लिए बराबर हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।